हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 8 एमएस पावर पॉइंट 2013। तो बेटा आज हम कंप्यूटर के अंदर लेसन नंबर 8 एमएस पावर पॉइंट 2013 स्टार्ट करेंगे। एमएस पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो बेटा एमएस पावर पॉइंट क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रेजेंट सॉफ्टवेयर मीन्स बेटा इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक पर बेटा क्या कर देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। किसके अंदर? एमएस पावर पॉइंट के अंदर। तो इसलिए बेटा इसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, और इसको बेटा किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है बेटा, एक सॉफ्टवेयर होता है, आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स। बेटा एमएस पावर पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, काफी सारी स्लाइड्स का यूज करते हैं। किस लिए बेटा? किसी भी टॉपिक के या किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। क्या करते हैं बेटा इसके अंदर हम बहुत सारी स्लाइड्स का यूज करते हैं, किसी भी टॉपिक या किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए बेटा, डिस्प्ले करने के लिए। यूजर कैन इजिली इंसर्ट ग्राफिक्स और पिक्चर्स, एडिट द कंटेंट एंड प्रेजेंट इट टू द ऑडियंस। इसके अंदर बेटा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ग्राफिक को या किसी भी पिक्चर को इजिली क्या कर सकते हैं बेटा, इंसर्ट कर सकते हैं। किसके अंदर? एमएस पावर पॉइंट के अंदर। एडिट द कंटेंट, और किसी भी कंटेंट को बेटा हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एंड प्रेजेंट इट टू द ऑडियंस, और फिर बेटा हम क्या कर सकते हैं, ऑडियंस के सामने उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वाज इनिशियली कॉल्ड प्रेजेंटर। बेटा एमएस पावर पॉइंट को, मींस बेटा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को पहले हम क्या कहते थे, प्रेजेंटर कहते थे। क्या कहते थे बेटा इसे हम? प्रेजेंटर। एंड वाज डेवलप्ड बाय थॉम्स रूडकिन एंड डेनिस ऑस्टिन, और उसको बेटा किसके द्वारा डेवलप किया गया था? थॉम्स रूडकिन एंड डेनिस ऑस्टिन के द्वारा। ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस स्लाइड्स। इसके अंदर क्या करते हैं बेटा हम, बहुत सारी स्लाइड्स का यूज करते हैं। किसके अंदर? एमएस पावर पॉइंट के अंदर। वेयर ए स्लाइड इन ए सिंगल पेज इन ए प्रेजेंटेशन, और जो बेटा हमारा एक सिंगल पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक स्लाइड कहते हैं। किसे बेटा? एक सिंगल पेज को हम क्या कहते हैं, एक स्लाइड कहते हैं। इसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर। ओके बेटा, तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर बेटा हम जो हमारा एक सिंगल पेज है, उस सिंगल पेज को हम बेटा क्या कहते हैं, एक स्लाइड कहते हैं। इस स्लाइड में कंटेन टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो क्लिप्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा जो भी हम स्लाइड बनाते हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर, उनके अंदर क्या क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो क्लिप्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू स्टार्ट एंड वर्क विद एमएस पावर पॉइंट। आओ सीखते हैं बेटा कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर हम कैसे वर्क करते हैं। ओके, स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट 2013। To start MS PowerPoint 2013, follow the steps given below. Click the Start button. Click on All Programs. Click on Microsoft Office 2013. Click on Power button 2013. Okay, बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? यदि बेटा हमें हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर MS PowerPoint की बेटा फाइल को ओपन करना है, तो उसके लिए हम बेटा थ्री टाइप्स से या थ्री मेथड्स से बेटा क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट की फाइल को क्या कर सकते हैं बेटा, ओपन कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट मेथड है हमारा, देखो आपने क्या करना है बेटा, माउस के साथ क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फिर बेटा हमने न्यू में जाना है, और न्यू में जाने के बाद हमने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर बेटा हमने क्या करना है, क्लिक करना है। ये था बेटा हमारा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है, आपने बेटा क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। यहां पे हमने क्या टाइप करना है बेटा, पावर पॉइंट। जैसे बेटा मैं पावर पॉइंट टाइप करूंगा, देखो मेरे सामने यहां पे पावर पॉइंट की फाइल आ जाएगी, और आपने यहां पे क्लिक करना है। ओके, थर्ड मेथड है बेटा, जो आपके पास बुक में दे रखे हैं, स्टार्ट बटन पर आपने क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पर जाना बेटा। अभी यहां पर हमने एमएस ऑफिस के टूल को सर्च करना है, कहाँ है देखो, ये रहा बेटा एमएस ऑफिस, और उसके अंदर बेटा हमने किसको सर्च करना है, पावर पॉइंट की फाइल को, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। मेरे लैपटॉप बेटा 2010 है,
ओके तो इस प्रकार बेटा हमारे पास यहाँ पर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन हो जाएगी। ओके तो इस प्रकार बेटा हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है बेटा, ए विंडो सिमिलर टू द वन गिवन बिलो विल अपियर ऑन स्क्रीन, यू कैन क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन टू ओपन ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। कह रहा है कि बेटा विंडो के जैसे आपकी क्या दिखाई देगी, एक नीचे स्क्रीन दिखाई देगी और उस स्क्रीन पर हमने क्या करना है बेटा, क्लिक करना है। जैसे बेटा हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारे सामने क्या आ जाएगी, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन हो जाएगी। देखो बेटा हमारे सामने क्या दिखाई दे रही है आपको, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन की फाइल दिखाई दे रही है। ओके तो इस प्रकार बेटा हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन की फाइल को हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो, द एमएस पावर पॉइंट विंडो इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कह रहा है कि बेटा एमएस पावर पॉइंट की जो विंडो है उसको हमने क्या किया है, काफी सारे कंपोनेंट्स के अंदर क्या कर रखे है बेटा, डिवाइड कर रखे है। किसको बेटा, एमएस पावर पॉइंट की विंडो को, फॉलोइंग कंपोनेंट्स। बेटा फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा टाइटल बार। द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एक्टिव एप्लीकेशन एंड इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो। ऑन द लेफ्ट साइड द क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड। ऑन द राइट साइड विंडो कंट्रोल बटन मैक्सिमाइज मिनिमाइज एंड क्लोज आर लोकेटेड। ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट देयर इज ए प्रोग्राम आइकन बटन। ओके बेटा तो टाइटल बार क्या होता है बेटा, जो हम एमएस पावर पॉइंट की जो फाइल ओपन करते हैं, टाइटल बार क्या होता है बेटा, हमारे एमएस पावर पॉइंट के बेटा बिल्कुल टॉप में होता है। देखो अब ये क्या होता है, जिस फाइल को बेटा हम सेव करेंगे ना, वो हमारा नेम कहां दिखाता है, बिल्कुल टॉप में दिखाता है। सबसे पहले हम इस फाइल का नेम सेव कर देते हैं, मैं यहां पे नेम लिख देता हूं बेटा राहुल। ओके फाइल का नेम हमने क्या दे दिया बेटा, राहुल। अब इसको हम ओपन करते हैं। अब ये कह रहा है कि जो ये फाइल है बेटा हमारी, वो किस नेम से एक्टिव है, राहुल के नेम से एक्टिव है। और ये आपको कहां दिखाई दे रहा है बेटा, टॉप में दिखाई दे रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, टाइटल बार। ओके नेक्स्ट है बेटा क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार का होता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में होता है हमारे टाइटल बार के। देखो दिखाई दे रहा बेटा, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं बेटा, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को बेटा सेव कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, डाटा को अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। ओके बेटा तो ये सारे काफी सारे वर्क हम कहां कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। नेक्स्ट है बेटा विंडो कंट्रोल बटन। अब विंडो कंट्रोल बटन के अंदर बेटा हमारे पास तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज। ओके तो बेटा मिनिमाइज पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल बेटा मिनिमाइज हो जाएगी। देखो मैक्सिमाइज का बेटा, मैक्सिमाइज को हम रीस्टोर भी कहते हैं। देखो कैसे, यदि बेटा हम इस फाइल पर क्लिक करते हैं, अब देखो हमारी फाइल जो है ना बेटा थोड़ी छोटी हो गई है, यानी कि अब इसी को बेटा आपने बड़ा करना हो तो बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज पर हम क्या करेंगे बेटा, क्लिक कर देंगे। और क्रॉस का बेटा आपको पता ही है कि यदि हमें फाइल को क्या करना है, क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, क्रॉस बटन का यूज करते हैं। ओके बेटा तो ये तो थे हमारे कंट्रोल बटन। नेक्स्ट है बेटा रिबन। रिबन इट इज ए प्लेस बिलो द टाइटल बार, इट कंटेन्स वेरियस टैब एंड ग्रुप्स, व्हेन यू क्लिक ए टैब ए सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स आर डिस्प्ले, होम इंसर्ट डिजाइन ट्रांजिशंस एनिमेशंस स्लाइड शो रिव्यू व्यू एंड फॉर्मेट आर ऑल टैब्स। अब कह रहे हैं बेटा रिबन क्या होता है, रिबन के अंदर बेटा हम काफी सारे टैब्स का यूज करते हैं। काफी सारे टैब्स हमारे कौन से होते हैं, बहुत सारे टैब्स। देखो बेटा होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशंस टैब, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, तो ये तो हमारे क्या है बेटा, टैब्स हैं। अब इन टैब्स के अंदर बेटा काफी सारे ग्रुप्स होते हैं। देखो क्लिपबोर्ड बेटा, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ। ओके तो ये सभी बेटा हमारे क्या है, ग्रुप हैं।
इन सभी ग्रुप्स के अंदर क्या होती है बेटा, काफी सारी क्या होती है कमांड्स होती हैं। इन ग्रुप्स के अंदर क्या होती है बेटा, काफी सारी कमांड्स होती हैं। ओके, तो टैब के अंदर बेटा हम किन का यूज करते हैं, ग्रुप्स का यूज करते हैं, और ग्रुप्स के अंदर बेटा हम किन का यूज करते हैं, कमांड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्लाइड डिजाइन एरिया। स्लाइड डिजाइन एरिया इट इज दैट एरिया इन विच यू क्रिएट ए डिजाइन द स्लाइड्स। अब डिजाइन एरिया क्या होता है बेटा, देखो यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं, अब मेरे पास देखो कोई ब्लैंक स्लाइड नहीं है, इसे कहते हैं बेटा स्लाइड डिजाइन एरिया। अब स्लाइड डिजाइन एरिया क्या होता है, जहां पर बेटा हम किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, या फिर बेटा जहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, टेक्स्ट को ऐड करते हैं, शेप को ऐड करते हैं, पिक्चर को ऐड करते हैं, ओके बेटा, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, स्लाइड डिजाइन एरिया, जिस एरिया के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, स्लाइड डिजाइन एरिया। नेक्स्ट है बेटा स्लाइड नेविगेशन पेन। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द PowerPoint window, it displays all the slides in a presentation as thumbnails. You can easily add, duplicate, move, rearrange and delete slide from this pane. तो बेटा slide navigation pane का हम use कहाँ करते हैं? Left hand side के अंदर करते हैं. Okay, देखो. अब इसका use बेटा किस लिए करते हैं? यदि बेटा हमें किसी भी slide को new add करना हो, duplicate add करना हो, ओके डिलीट करना हो, किसी भी स्लाइड को बेटा क्रिएट करना हो, ऐड करना हो, डिलीट करना हो, तो बेटा हम सारा वर्क कहाँ करते हैं, नेविगेशन पेन के अंदर जाके करते हैं। कहाँ करते हैं बेटा हम, नेविगेशन पेन के अंदर। अब सपोज करो कि बेटा मुझे इस स्लाइड को डिलीट करना है, जो स्लाइड हमारे पास है, तो आपने क्या करना है बेटा, राइट क्लिक करना है, डिलीट स्लाइड पर क्लिक कर देना है। ये स्लाइड आपके पास से बेटा क्या हो गई है, डिलीट करनी है, और मुझे यहाँ पे बेटा क्या करना है, एक नई स्लाइड क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप बेटा आपने क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करोगे आप और न्यू स्लाइड पर बेटा आप क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। देखो ओके, तो हमारे पास बेटा आप क्या आ गई है, एक नई स्लाइड क्रिएट हो गई। ओके, तो इस प्रकार बेटा हम क्या कर सकते हैं, नेविगेशन पेन के अंदर जाके नई स्लाइड को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और किसी भी स्लाइड को बेटा हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है स्टेटस बार। The status bar is located at the bottom of the PowerPoint window. The status bar बेटा कहाँ होता है? PowerPoint के बेटा bottom में होते हैं। The left side of the status bar shows the number of the current slide you are working on and the total number of slides. To the right of the slide number spell checker button is present. In the middle of the status bar there are two buttons. One of them is for hidden displaying the notes and other is a use for working with comments. On the right side of the status bar is the view shortcut toolbar and the zoom control slider. Okay बेटा, तो status bar बेटा हमें क्या show करता है, देखो बिल्कुल top में होते हैं यहाँ पर बेटा, एक तो ये आपको बताएगा left hand side में कि बेटा हम जो MS PowerPoint के अंदर जो स्लाइड बना रहे हैं वो टोटल हमारे पास अभी स्लाइड्स कितनी, अभी बेटा हमारे पास देखो कितनी स्लाइड है, फर्स्ट एक ही स्लाइड है। अब बेटा मैं यहाँ पर मैंने यदि एक स्लाइड और ले लेता हूँ, देखो अब कितने दिखा रहा है बेटा, दो दिखा रहा है। इट मींस ये हमें क्या बता रहा है कि बेटा हमने जो एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड्स बनाई है वो टोटल स्लाइड्स कितनी है, वो हमें कौन बता रहा है बेटा, वो हमें स्टेटस बार बता रहा है। ओके बेटा, अब हम चलते हैं बेटा राइट साइड में। राइट साइड में क्या होता है बेटा, हमारे पास देखो छोटे छोटे टूल दे रखे हैं, इन सभी टूल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं बेटा, स्लाइड को क्या करते हैं, रन कर सकते हैं उनको। ओके, देखो यहाँ पर स्लाइड शो दिखा रहे हैं, यानी कि किसी भी स्लाइड को बेटा हमें रन करना है, प्रेजेंट करना है, तो उसको हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, स्लाइड शो की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर हमारे पास देखो फाइल को जूम करने का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर हम जूम इन कर सकते हैं और यहाँ पर बेटा हम जूम आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी ऑप्शन बेटा हमारे पास कहाँ होते हैं, बॉटम में होते हैं एमएस पावर पॉइंट के। नेक्स्ट है बेटा रूलर। देर आर टू रूलर्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। द रूलर हेल्प इन द अलाइनिंग द टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स इन द स्लाइड्स। ओके बेटा, तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर बेटा हम दो प्रकार के रूलर का यूज करते हैं, एक होता है बेटा हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। ये देखो बेटा जो ये रूलर है बेटा, ये इस रूलर को हम कहते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल, और जो बेटा ये रूलर आपको दिखाई दे रहा है इस रूलर को हम कहते हैं वर्टिकल। ओके, यदि बेटा डाटा को हमें अलाइनिंग करना है, अलाइनिंग में डाटा को लेफ्ट राइट या सेंटर में एडजस्ट करना है बेटा, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं बेटा, रूलर की हेल्प से करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्क्रोल बार।
देर आर टू स्क्रोल बार्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल. हॉरिजेंटल स्क्रोल बार हेल्प्स टू मूव ए पेज लेफ्ट एंड राइट एंड वर्टिकल स्क्रोल बार हेल्प्स टू मूव पेज अप और डाउन. देखो बेटा, एमएस पावर पॉइंट के अंदर है ना बेटा, हम दो प्रकार के स्क्रोल बार का यूज करते हैं. एक होता है बेटा वर्टिकल में और एक होता है हॉरिजेंटल में. देखो बेटा, ये जो आपको इधर दिखाई दे रहा है बेटा, ये हमारे पास वर्टिकल. देखो, यदि अब इससे हम, ये हमारे किस लिए हेल्प करता है, यदि हमें किसी भी स्लाइड को बेटा ऊपर करना है या नीचे करना है, टॉप में करना है या फिर बॉटम में करना है. और एक होता है बेटा हॉरिजेंटल. हॉरिजेंटल वाला बेटा भी हमारे पास है नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास अभी सिर्फ बेटा दो स्लाइड है. ओके बेटा, नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन इन एमएस पावरपॉइंट 2013. यू कैन क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग द टू डिफरेंट मेथड्स. The two methods are using templates, using themes. Using templates. Templates are pre-format pattern that save a lot of time and efforts in designing. There are plenty of templates available in PowerPoint. Click the file tab. Open the backstage view. In the left pane, click the new option. You can choose the template from the suggested research. Okay, बेटा, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, MS PowerPoint के अंदर बेटा स्लाइड्स बनाना सीखेंगे, फिर उनको क्या करना, क्या करेंगे बेटा, रन करेंगे. ओके, तो सबसे पहले तो बेटा हमें ना MS PowerPoint के अंदर बेटा नई फाइल लेनी आनी चाहिए. देखो न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं. अभी बेटा मैं इन दोनों ही फाइल को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ. ओके, अब देखो हमारे पास बेटा यहाँ पर अब कोई स्लाइड नहीं है, तो अब नई स्लाइड लेने के लिए बेटा हमारे पास दो मेथड होते हैं. फर्स्ट, नेविगेशन पेन के अंदर जाओ बेटा, यहाँ पर राइट क्लिक करो और न्यू स्लाइड पर क्लिक कर दो. ये तो था बेटा हमारे पास फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड होता है बेटा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं. न्यू स्लाइड में बेटा हमने जाना है और टाइटल स्लाइड में बेटा हमने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है. ओके, अब यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल. जो बेटा हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टॉपिक का नेम डाल देता हूँ, एमएस वर्ड. टॉपिक का नाम क्या है बेटा हमारा, एमएस वर्ड. अभी से हम क्या करते हैं बेटा, एमएस वर्ड को बेटा हमें थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है. तो आपने क्या करना है, इस पर हल्के से बेटा देखो क्लिक करना है. जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपको एक प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है. देखो, और उसको धीरे से बेटा ऊपर लेके चल रहे हैं. ओके, अब इसमें बेटा हम इसको भी थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं. अब कह रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से टाइटल होते हैं. अब टाइटल में बेटा हम टैब डाल देते हैं. टैब कौन कौन से टैब होते हैं, देखो, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, मेलिंग टैब. ओके बेटा, और अब इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. ओके, और इनका साइज क्या कर देते हैं बेटा, बड़ा कर देते हैं. और इनका कलर क्या कर देंगे बेटा, हम ब्लैक. कलर किसके अंदर जाके करेंगे बेटा, टेक्स्ट कलर के अंदर जाके. देखो, ओके, तो हम कहां से शुरू कर रहे हैं बेटा, एमएस वर्ड से शुरू कर रहे हैं, जो हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं. अब इनके अंदर बेटा यदि हमें कलर करना है, देखो दोनों ही बॉक्सेस के अंदर हमें क्या करना है, कलर करना है. तो सबसे पहले बेटा हम एमएस वर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और कलर करने के लिए हम कहां जाएंगे, क्विक स्टाइल पर क्लिक कर देंगे बेटा. यहां पर कहां क्लिक करेंगे, क्विक स्टाइल पर आप क्लिक कर दोगे. यहां पे बेटा जो भी आपको कलर लेना है, उस कलर पर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे. ओके, सेकंड, अब टैब्स पर क्लिक कर देंगे बेटा. जो भी बेटा आपको कलर अच्छा सा लगे, वो आप कलर इसके अंदर फील कर सकते हैं. ओके, ये तो थी बेटा हमारी फर्स्ट स्लाइड कि एमएस वर्ड के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, किन किन टैब्स का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट है बेटा, अब हमें क्या करना है कि एमएस वर्ड के अंदर बेटा हम होम टैब के अंदर है ना, किन किन कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, किन किन कमांड्स का यूज करते हैं. ओके, तो बेटा मैं आपको ना एक होम बनाना सिखा रहा हूं, तो आपने क्या करना है, सेकंड स्लाइड की हेल्प से बेटा काफी सारी स्लाइड बना के देखना है. ओके,
तो यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड पर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक टू ऐड टाइटल में आप डाल देते बेटा होम, यहाँ पे लिख देते हैं होम टैब। ओके, अब होम टैब के अंदर बेटा क्या क्या होता है देखो, हम क्या कहते हैं डेटा को बेटा, बोल्ड करते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज करते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं, सबस्क्रिप्ट मेथड का यूज करते हैं बेटा, फॉन्ट कलर का यूज करते हैं, ओके। और टेक्स्ट हाईलाइट का यूज करते हैं, ओके बेटा। तो ये तो थी मेरी सेकंड, अब इसके अंदर भी बेटा हम कलर कर देंगे क्विक स्टाइल के अंदर जाके। ओके बेटा, तो इस प्रकार बेटा हमने कितनी स्लाइड बना ली है, दो स्लाइड बना ली है एमएस पावर पॉइंट के अंदर। ओके, अब थर्ड स्लाइड के अंदर मैं बताऊंगा कि बेटा आपको यदि हमें किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करना है, यदि कि किसी भी पिक्चर को ऐड करना है तो बेटा वो हम कैसे करते हैं। ओके, तो थर्ड स्लाइड में बेटा हम क्या करते हैं, अब न्यू स्लाइड पर हम जाते हैं और न्यू स्लाइड के अंदर जाके बेटा हम क्या करते हैं, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ओके, कौन सा पेज लेंगे बेटा, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। पिक्चर को ऐड करने के लिए बेटा आप कहाँ जाओगे, इंसर्ट में हम जाएंगे। इंसर्ट में जाके बेटा हम कहाँ क्लिक करेंगे, पिक्चर पर आप क्लिक करोगे। ओके, और अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा आपको जो पिक्चर इंसर्ट करना है वो पिक्चर आपकी कहाँ रखी है। मेरी पिक्चर जो है बेटा डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, किसी भी ड्राइव में से बेटा हम ओपन कर सकते हैं, वर्ड फोटो और जो भी फोटो बेटा आपको ऐड करनी है। से मैं यहां पर बैठा है, ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, दोबारा से एक नई पिक्चर लेते हैं। तो मैंने बेटा एक वर्ड का लोगो ऐड कर दिया इसके अंदर, ओके बेटा। नेक्स्ट, तो ये तो थी बेटा हमने पिक्चर ऐड किया इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट है बेटा, अब यदि इसके अंदर बेटा हमें किसी भी शेप को ऐड करना, कोई भी शेप ऐड करनी हो तो वो कैसे ऐड करते हैं, देखो यहां पर बेटा मैं फिर से क्या करता हूं, एक ब्लैंक फाइल ले लेता हूं और ब्लैंक फाइल के अंदर हमें क्या करना है बेटा, एक शेप को ऐड करना है। तो इंसर्ट में हम जाएंगे और शेप पर क्लिक कर देंगे बेटा, यहां पर शेप, यहां पर मैं रेक्टेंगल शेप पर क्लिक कर रहा हूं। ओके, अब एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं हम। अभी मैं कह रहा हूँ कि बेटा शेप तो हमने ले लिया, अभी शेप के अंदर हमें क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट को ऐड करना है। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इस पर हमने क्लिक कर दिया है और अब हम कहाँ जाएंगे बेटा, फॉर्मेट पर हम क्लिक करेंगे और किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर दोगे। कहाँ क्लिक करेंगे बेटा, टेक्स्ट बॉक्स। जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया, देखो अब ऑप्शन आ गया ऐड करने का, मुझे यहाँ पे नेम ऐड करना है आकाश, देखो आकाश नेम है। अब बेटा हम इसका फॉन्ट का साइज बड़ा करेंगे, होम में हम जाएंगे, फर्स्ट मेथड है बेटा फॉन्ट साइज पर आप क्लिक कर दिए जो भी आपको साइज लगा। ओके, सेकंड मेथड है जो आपके पास बेटा कैपिटल ए दिखाई दे रही है, इसमें बेटा डाटा इंक्रीमेंट, आप इस पर भी क्लिक कर दीजिए। ओके, अब मुझे क्या करना है, फॉन्ट का यदि कलर करना है तो कलर करने के लिए बेटा आप क्या करोगे, फॉन्ट कलर पर आप जाओगे और रेड कलर कर देंगे। ओके, अब मैं कह रहा हूँ बेटा मुझे रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर जो कलर है ना, इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में हम जाएंगे बेटा
और सेफ फील कलर में हम जाएंगे और येलो कर देता हूँ। ओके ओके नेक्स्ट है। अब मुझे बेटा आउटलाइन, इनकी आउटलाइन का कलर चेंज करना है और फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, यानी कि आउटलाइन है बेटा, आउटलाइन का साइज बढ़ाना है। तो आउटलाइन का साइज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे ओके और वेट में जाएंगे बेटा, और जो भी बेटा आपको आउटलाइन का साइज लेना ना उस पर क्लिक कर, जैसे मुझे 3 PT ओके, और इसको बेटा हम ब्लैक कलर कर देंगे या रेड कर दीजिए ओके। तो इस प्रकार बेटा हम किसी भी रेक्टेंगल के अंदर क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को इजीली ऐड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, फील कलर कर सकते हैं, कलर को फील कर सकते हैं ओके बेटा। तो इस प्रकार बेटा हमारे पास देखो यहाँ पे टोटल कितनी स्लाइड्स हो गई हैं, 4 स्लाइड्स हो गई हैं। अब इनको बेटा मैं आपको रन करना सिखाऊंगा कि किसी भी स्लाइड को रन कैसे करते हैं। तो बेटा रन करने से पहले ना इनके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं, देखो कुछ एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम डिजाइंस लगाना सीखेंगे, थीम्स लगाना सीखेंगे। वो किसके अंदर होता है बेटा, डिजाइंस के अंदर। देखो डिजाइंस के अंदर चलते हैं। यहाँ पे ना बेटा आपको काफी सारे थीम्स दे रखे हैं, देखो किसी पे भी क्लिक करो। देखो फर्स्ट पे मैंने क्लिक किया, सेकंड पे करो बेटा, थर्ड पे, फोर्थ पे करते हैं। देखो जैसे मैंने फोर्थ पे क्लिक किया बेटा, देखो यहाँ पे कुछ एडिटिंग हुई दिखी आपको। देखो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं बेटा। तो इस प्रकार बेटा हम अलग अलग थीम्स के अंदर जाके, अलग अलग डिजाइन के अंदर जाके अलग अलग लुक दे सकते हैं हमारे स्लाइड्स को ओके। तो मैंने बेटा ये ग्रीन कलर वाली लुक ली है, ग्रीन कलर वाली थीम का यूज किया है ओके। तो बेटा आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इसमें से ले सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस के अंदर क्या होता है बेटा, हम इनको ना अलग अलग शेप दे सकते हैं, यानी कि अब शेप में बेटा आप देखो इनको आप ना अलग अलग तरीके से रोटेट कर सकते हैं। कैसे, यदि बेटा मैं यहाँ पे कट पर क्लिक करता हूँ, देखो फर्स्ट फेड, देखो अलग अलग तरीके से हम इसको क्या करेंगे बेटा, रन करेंगे पुश इस प्रकार से जब आप स्लाइड को बेटा रन करोगे ना तो इस तरीके से आपकी स्लाइड रन होगी ओके। तो इसके अंदर ना बेटा काफी सारी स्लाइड्स दे रखी, वो दे रखी है बेटा आपको, टाइप्स दे रखी है इसकी ट्रांजिशंस की। अब यहां पे बेटा देखो इफेक्ट ऑप्शन के अंदर भी काफी सारे ऑप्शन है ओके। तो यहां से बेटा जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ट्रांजिशंस का यूज कर सकते हैं। मैंने बेटा यहाँ पे शेप लिया है, शेप ट्रांजिशन लिया है ओके। तो इस प्रकार बेटा जो भी आपको ट्रांजिशन अच्छी लगे ना उसका आप यूज करके क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स को रन कर सकते हैं ओके। देखो बेटा तो मैंने बेटा कौन सी ली है, यहाँ पे शेप लिया ओके। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा साउंड। अब इसके अंदर बेटा एमएस पावर पॉइंट के अंदर हम साउंड को भी ऐड कर सकते हैं इजीली। देखो जो भी आपको साउंड अच्छी लगे वो साउंड बेटा आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है बेटा, आप सभी स्लाइड्स के अंदर ना टाइम दे सकते हो कि इतने टाइम के बाद बेटा ये स्लाइड चलनी चाहिए, इतने टाइम के बाद ये स्लाइड रन होने चाहिए ओके। तो इन सभी स्लाइड्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं बेटा, टाइम को ऐड करके सभी स्लाइड्स को क्या कर सकते हैं, इजिली रन कर सकते हैं ओके। तो टाइम को ना हम दो प्रकार से यहाँ पे लगा सकते हैं, देखो एक यहाँ पर आफ्टर है और एक यहाँ पे ड्यूरेशन है। तो दोनों ही टाइम का बेटा हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अब मैं आपको बेटा एक ऑप्शन रहेगा बेटा हमारे पास यहाँ पे अप्लाई टू ऑल। जब भी बेटा पावर पॉइंट के अंदर ना कुछ भी एडिटिंग करते हो, कुछ भी एडिट करते हो ना बेटा, उसको आपको अप्लाई टू ऑल करना बहुत जरूरी है। जब तक बेटा आप उसको अप्लाई टू ऑल नहीं करोगे तब तक वो फाइल बेटा आपकी सेव नहीं होगी, यानी कि उसके अंदर जो आपने चेंजेस किए ना वो कुछ भी नहीं होंगे। देखो अप्लाई टू ऑल कह रहे हैं कि बेटा क्या आपको सभी पे अप्लाई करना है, यस मुझे सभी पे अप्लाई करना है ओके। देखो अब जैसे ही मैंने बेटा यहाँ पे शेप ट्रांजिशन लिए, देखो देखो साउंड आ रहा है ना बेटा यहाँ पे आपके पास ओके। यहां से साउंड को बेटा हम ऑफ कर देते हैं, नो साउंड कर देते हैं ओके। अब बेटा मैं आपको ना स्लाइड्स को रन करना सिखाऊंगा। तो रन कैसे करते हैं बेटा,
तो पावर पॉइंट के अंदर बेटा स्लाइड को ना हम दो प्रकार से रन कर सकते हैं। फर्स्ट बेटा देखो, फर्स्ट मेथड होता है हमारा फंक्शन के साथ F5, यानी कि बेटा हमारे कीबोर्ड के अंदर ना F5 बटन होते हैं। आपने क्या करना है बेटा, F5 फंक्शन की कहते हैं उसको, F5। तो जैसे बेटा मैं F5 प्रेस करता हूं, देखो मेरी फर्स्ट स्लाइड बटन रन, सेकंड। अब देखो बेटा, जैसे हमारी फर्स्ट स्लाइड रन हुई है, सभी नहीं हुई ना, तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, शेप पर क्लिक करना है। और मैंने कहा था ना बेटा अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देना है। कहां पर क्लिक कर देना बेटा, अप्लाई टू ऑल। अब मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं बेटा प्रेजेंटेशन को रन करने का। सबसे नीचे देखो बेटा, यहां पर स्लाइड शो का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेटा, स्लाइड शो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहां पर हमने क्या करना है, क्लिक कर देना है। दोबारा से देखो बेटा, हमने कहां पर क्लिक कर देना है, स्लाइड शो पर। जैसे ही मैं बेटा स्लाइड शो पर क्लिक कर दूंगा, स्टेटस बार में होता है बेटा, बिल्कुल नीचे होता है, राइट हैंड साइड में हमारे जूम के बराबर में होता है बेटा ये स्लाइड शो का ऑप्शन। और जैसे ही बेटा मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ना, देखो फर्स्ट स्लाइड मेरी, ये बेटा मेरी सेकेंड स्लाइड, ये बेटा मेरी थर्ड स्लाइड, और ये बेटा मेरी फोर्थ स्लाइड। ओके, तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर बेटा हमने फोर स्लाइड बनाकर क्या करी है, रन करी है। ओके, तो हमने बेटा आज एमएस पावर पॉइंट के अंदर क्या क्या सीखा है, किसी भी शेप को बेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, और किसी भी शेप को कैसे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं बेटा। ओके, देखो, और नेविगेशन पेन क्या होता है बेटा, नेविगेशन पेन के अंदर यदि आपको किसी भी स्लाइड को इजीली ऐड करना हो, डिलीट करना हो, या डुप्लीकेट लेना हो, तो वो हम बेटा कहाँ पर कर सकते हैं, सारा बार नेविगेशन पेन में। नेविगेशन पेन बेटा हमारा कहाँ होता है, पावर पॉइंट के बेटा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ओके, तो इस प्रकार बेटा हम एमएस पावर पॉइंट के अंदर क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर इजिली क्या कर सकते हैं बेटा, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। किसके अंदर बेटा, एमएस पावर पॉइंट के अंदर। और जो बेटा रन करते हैं किसी भी फाइल को, हम प्रेजेंट करते हैं उसको, प्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। एक तो F5 बटन का यूज करके हम बेटा प्रेजेंट कर सकते हैं, सेकेंड होता है स्लाइड शो। देखो हमारे पास नीचे होता है बेटा, यहाँ पर स्लाइड शो ऑप्शन होता है। ओके, जैसे दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पर जैसे आप स्लाइड शो पर यहां पर क्लिक करेंगे, मेरी बेटा फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड बेटा, एंड फोर्थ स्लाइड, ये बेटा मैंने किससे रन करी है, माउस से रन करी है। ओके, अभी यदि बेटा इन्हीं को हमें कीबोर्ड के अंदर बेटा F5 से रन करना, तो देखो F5 में बटन प्रेस कर रहा हूं बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके बेटा, तो इस प्रकार बेटा हम एमएस पावर पॉइंट के अंदर किसी भी टॉपिक पर इजिली क्या कर सकते हैं बेटा, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो बेटा आपने क्या करना है, अपने घर पे एमएस पावर पॉइंट के अंदर बेटा प्रेजेंटेशन बना के देखना है सभी ने बेटा अच्छे से। ओके बेटा, ओके बेटा।